नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एक दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरनगर पहुंचे। वहां पर उनके द्वारा मुजफ्फरपुर भ्रमण के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में उन्होंने सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 1479 लाभार्थियों के बीच 6,95,00,000 रुपए के चेक वितरण किए। साथ ही अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक दंपति और दिव्यांग दंपति को 1,00,000 रुपए का चेक प्रदान किए तथा निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत लाभार्थियों के बीच भी उन्होंने चेक का वितरण किया। इस कार्यक्रम में जो दिव्यांग साथी थे, उन दिव्यांगों को उन्होंने बैटरी चलित ट्राईसाइकिल प्रदान की, जिससे दिव्यांग जनों का जीवन सुखद एवं सुगम होगा। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार के दिव्यांगों की यह मांग है कि बिहार के दिव्यांगों के लिए सरकार कुछ ऐसा करे जिससे बिहार के दिव्यांगों को अपना जीवन यापन करने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि प्रत्येक राज्य में दिव्यांगों की स्थिति इस समय सही नहीं है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिव्यांगों के बीच पहुँचे तो वहाँ के दिव्यांग ये चाहते थे कि सरकार कुछ उनके लिए ऐसा कर जाए जिससे उनका जीवन और आसान हो जाए। मुजफ्फरपुर से शांति मुकुल की यह है स्पेशल रिपोर्ट। खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।